हेलो फ्रेंड्स, श्रुति डांस स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके घर में भी लड़की की शादी है और आप लड़की की माँ, बुआ, चाची, मामी या अन्य कोई रिश्तेदारों में से हैं और आप सोच रहे हैं कि लड़की की शादी के संगीत में किस गाने पर डांस किया जाए जो इजी भी हो और बहुत अच्छा और डिसेंट लगे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि शादी का सीजन भी आने वाला है, तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ शादियों में सबसे ज्यादा करने वाले जो कि बहुत अच्छे लगेंगे उन गानों पे मैं आपको डांस सिखाऊंगी। आपको कहीं बाहर जाके डांस सीखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हर हफ्ते मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे गानों पे डांस स्टेप सिखाऊंगी। आप लड़की की माँ हो या और कोई रिश्तेदार, ये गाना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि वो डिसेंट और सिंपल स्टेप्स में एक डांस परफॉर्मेंस दे। तो शुरुआत में आज इसी गाने से कर रही हूँ, मिथिला का कड़कण खिला। ये बहुत प्यारा गाना है और इस पे बहुत लोग आजकल डांस सीखना चाह रहे हैं, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो गाना है स्टार्टिंग में सबसे पहले म्यूजिक जब शुरू होगा, आपको स्लो म्यूजिक है, आपको कुछ नहीं उसमें, आपको सिंपल अपनी जगह पे आप ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करेंगे, सिंपल अपनी जगह पे हल्का हल्का ऐसे हिल के स्टार्ट करेंगे डांस, ठीक ओके। फिर लाइन आएगी सबसे पहले मिथिला का कड़कण खिला, तो इस लाइन पे आपको क्या एक्शन करना है देखिए। ये तो मिथिला का आपको क्या बताना है, आपको हाथ ऐसे सामने से यू करके दिखाना है, आपको ये हाथ ऐसे करके दो बार हाथों ऐसे करना है, 1 2, दो बार में हाथ आपका यहां आ जाएगा, पैर वही डिपिंग वाला चलेगा, 1 2, ठीक है। पैर ऐसे ही चलना आपको इस पूरे गाने में, ज्यादातर आपको अपने पैर का मूवमेंट बस यही हल्का हल्का डिपिंग का एक्शन करना है और बस हाथों के एक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मिथिला का इस लाइन तक पे आपका हाथ 1 2, एक बार सामने से स्टार्ट करेंगे 1, फिर हाथ को साइड में लाके 2, दो बार करना है हाथों को 1 2, मिथिला का, बस दो बार में हमारा हाथ यहां तक आ जाएगा, मिथिला का कणकण खिला। तो जैसे ही ये वर्ड आ रहा है कणकण, आपका हाथ जो यहां था यहां से ऊपर आएगा और यू बना लेंगे ऐसे, ये कण है ऐसे अंगूठा उंगली जोड़ के, ये अभी ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, यहां से हाथ यू आया, ठीक है। अब यहां से ऐसे यू करते हुए हाथ को नीचे लाना, 1 2, दो बार ही करना है, दो बार ये किया फिर हाथ ऊपर गया, ऐसे हो गया उंगली ऐसे बना ली और कण कण कण, तो अंगूठा और फर्स्ट उंगली को ऐसे कर लेंगे, यू हाथ कर लेंगे, उंगली खुली हुई है, यहां से हाथ गया कण कण, उतने में हमारा हाथ यहां आ जाएगा, साथ में आपको डिपिंग का एक्शन करना है कण कण, कैसे होगा पूरी लाइन देखिए, मिथिला का कण कण हो रहा है, दो दो बार स्टेप करना है, किया दो बार 1 2, फिर ऊपर हाथ गया ऐसे कर लिया 1 2, कलाई से ऐसे झटका दीजिए तो होगा 1 2, अब वर्ड आया खिला, कणकण पे हमारा हाथ यहां आ गया, खिला वर्ड पे हमें खिलने का एक्शन दिखाना है, तो जो हाथ यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था बस उन हाथों को ऐसे खोल के यू हाथ कर देना, आपको ऐसे खोलना यू खिला, हाथों को यू कर देना है बस, मिथिला का कण कण खिला। इसके बाद लाइन है जमाई राजा राम मिला, तो आपको सिंपल है जमाई राजा पे, आप अगर अपने जमाई के सामने इस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं तो सामने उनकी तरफ देख के आप एक्शन उनकी तरफ देख के करेंगे, जमाई राजा सिंपल उनकी बलाई लेते हो ऐसा एक्शन करना, ठीक है। तो जमाई राजा राम मिला पे आपको क्या एक्शन करना है कि जैसे ये हाथ में धनुष पकड़ा है राम जी ने, तो ऐसे आपको एक्शन करना है, ये हाथ सामने दूसरे हाथ से जैसे आप ऐसे खींच रहे हैं धनुष को, तो ऐसे अंगूठा ऊपर रहेगा, ये पोजीशन है, ये ऐसे दोनों हाथ में अंगूठा ऊपर है, ऐसे आपने जैसे धनुष पकड़ा हुआ है, इमेजिन करिए राम जी ने धनुष पकड़ा है, तो राम मिला। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, लाइन के हिसाब से हमारे एक्शन चेंज हो रहे हैं, राम मिला, मिला पे ऐसे हाथों को खोलते हुए आप अपने जमाई की तरफ इशारा करके दिखाएंगे। ये जो लाइन थी ये दो बार आएगी,
आप मिथिला का कण कण खिला पे आपको वही एक्शन करना है कि मिथिला का कण कण खिला। फिर जमाई राजा, फर्स्ट टाइम जब ये लाइन आएगी आप क्या करेंगे, जमाई राजा राम मिला। और ऐसे जब आप ये एक्शन करें तो आपको थोड़ा सा आगे अपनी जगह पे ही खड़े हैं, ठीक है, बस अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा ऐसे आगे लाके और फिर पीछे करना, ऐसे आप खींच रहे यूं यूं, तो आप पहले आगे जाएंगे फिर ऐसे खींचते हुए ऐसे जब खेलेंगे तो अपनी बॉडी को भी ऐसे पीछे करेंगे, पैर नहीं मूव करने हैं, पैर अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ ऊपर का पार्ट। सेकेंड टाइम जब ये लाइन आएगी जमाई राजा राम मिला, सेकेंड टाइम राम मिला वाली लाइन पे आप ये ना करके सिंपल हाथ जोड़ेंगे यू राम के लिए, और अपने पैर को साइड में ऐसे ऐसे रखना है और हाथ को भी ऐसे ऐसे स्विंग करना है, राम मिला, और अपोजिट चलेगा। कैसे अपोजिट, हाथ जोड़े, ये हाथ को हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हाथ को हम पहले इधर ले गए अपने लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड या हाथ, पैर हमारा राइट साइड रखा है, ये पोजीशन है, देखिए पैर राइट साइड है, हाथ मेरा लेफ्ट साइड गया, यानी कि ऐसे ये। अब वापस ये पैर आएगा लेफ्ट साइड तो हाथ जाएगा राइट साइड, तो ये अपोजिट मूवमेंट करना है हमें ये, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरुआत करिए सेंटर से, हाथ जोड़िए लेफ्ट राइट, कोई भी आप पैर आगे रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि पैर जो भी हो, चाहे ये वाला लेफ्ट पैर आप आगे रखो या राइट पैर, उसको हाथ के डायरेक्शन के अपोजिट रखना है। जैसे अगर राइट पैर रखा इधर इस साइड लेफ्ट साइड, तो हाथ राइट साइड होगा, जमाई राजा राम मिला। पूरी इस लाइन पे आपको ये एक्शन करते रहना है, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। फिर से वही, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। यहां तक सबको क्लियर है, दो बार लाइन आएगी, दो बार में आपको ये एक्शन करना है। चलिए साथ साथ रोज वीडियो लगा के रोज इसके स्टेप्स प्रैक्टिस करिए, बड़े आराम से आप डांस कर पाएंगे, स्माइल करके खुशी से डांस करिए। बस नेक्स्ट लाइन आती है जनक सुती, तो अब जनक की स्तुति यानी सीता जी की बात हो रही है, तो अब आपको उनके लिए क्या एक्शन करके बताना है कि ऐसे दुपट्टा पकड़ के, तो ये आप समझिए कि आपने अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे दुपट्टा पकड़ा हुआ है यूं, ऐसे पकड़ा हुआ है यूं, और राइट हैंड को आपको ऐसे नीचे यहाँ पे कोहनी पे टच करना है और हल्का सा साइड में चलना है ऐसे, जनक सुती संग तुम, इस लाइन पे आपको ये पूरा एक्शन करना है, साइड में चलना है, मैं लेफ्ट साइड चल रही हूँ, आप किसी भी तरफ एक साइड जा सकते हैं, स्लो स्लो चलना है, बहुत सॉफ्टली पूरी लाइन पे, जनक सुती, बस। फिर आगे है संग तुम, तो संग पे आपको एक्शन वही चेंज करना है ऐसे यूं, दोनों जो आपका हाथ यहां पे खत्म हुआ था जनक सुती, अब संग तुम, अपनी ही जगह पे बस आपको हल्का हल्का जनक सुती संग तुम रही हो ऐसे, तो ये पूरी आगे की लाइन पे हमें ये एक्शन करना है, कैसे, जनक सुती संग तुम रही हो ऐसे, रही हो ऐसे, खत्म हुआ यहाँ पे। फिर लाइन है कनक कली पर, तो आपको क्या उसका एक्शन करना है, हाथों को कली दिखाने के लिए कलाई से हमें ऐसे घुमाना है यू, हाथ ऐसे रहेंगे, बस ट्विस्ट करना है कलाई से, यू रखिए हाथ, एक कलाई का हाथ ऐसे रखिए, कैसे रखिए यू, अब यहां से हाथ जुड़े रखिए और बस ट्विस्ट करना है यू, पलट के इधर आ गया, 1 2 ऐसे रखिए, 3 4 5 हो रहा है, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, बहुत प्यारा एक्शन लगता है, एकदम सॉफ्टली करिए ऐसे, ठीक है। तो कनक कली पर एक बार इधर करने पर यहां तक हो जाएगा, कनक कली पर भवरा हो जैसे, इस पे आपको एक्शन चेंज करना है, यू करना है, उंगलियों को ऐसे ऐसे करना है कि जैसे पंख हिल रहे हैं भवरे की, तो ये हाथ का ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। भवरे के लिए एक्शन क्या करना है, ये बना के आपको सिर्फ हल्का सा स्टेप लेना है साइड साइड,
वन टू, पहले एक बार ऐसे इस तरफ करना है, फिर इस तरफ करना, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, भव राहु जैसे, ठीक है, दो बार होगा, एक बार इस साइड, तो कनक कली पर भव राहु जैसे, फिर से लाइन आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ सामने एक्शन करेंगे, साइड साइड में नहीं, फूल ऐसे खिल रहा है उसका एक्शन दिखाते हुए, कनक कली पर, ठीक है, यू ऐसे फैलाएंगे, कनक कली पर, अब भवरा का एक्शन क्या दिखाना है, साइड में ऐसे हाथों को लहराते हुए ऊपर हाथ को ले जाना है, नीचे से ऐसे क्रॉस बना के यूं यूं करते हुए ऊपर ले जाना, सिंपल उंगलियों को ऐसे ऐसे करना है कि वो उड़ रहा है, तो कनक कली पर भव राहु जैसे, कनक कली पर भव राहु जैसे, कनक कली पर भव राहु जैसे, इसके बाद आपको एक म्यूजिक के बीच है उसपे आपको बस एक सर्कल लेना है, ये आपने एक्शन खत्म किया, फिर आप एक हल्के से ऐसे यूं सर्कल लेके आ जाएंगे अपनी जगह पे ऐसे बस, ठीक है, जल्दी, इसके बाद लाइन आएगी, हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, तो रामचंद्र का एक्शन आप चाहे तो जो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया था आप वो रिपीट कर सकते हैं, या सिंपल लेफ्ट हैंड से ऐसे धनुष पकड़ा हुआ यूं अंगूठा ऊपर ऐसे, और बस हल्का सा चल के आ गया ना स्टेप लेके, हाँ रामचंद्र, इसका एक्शन हो गया, फिर चकोरी सिया, तो राम, ठीक है, ऐसे हाथ एकदम स्टिफ रख के, स्टडी रख के, ठीक है, चकोरी सिया पे आपको क्या एक्शन करना है, ऐसे हाथ को दिखाते हुए यूं प्यार से सुंदर सा शुरू, तो ना बहुत सुंदर सी है सीता जी, तो ऐसे हाथ को ये उंगलियां खुली है यूं घुमाते हुए साइड में ले आएंगे ऐसे, आपको हल्का सा जंप लेके साइड में एक्शन करना, हल्का सा ऐसे, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल ऐसे आप साइड में टर्न लेके करिए, पर अच्छा लगेगा ऐसे करें, चकोरी चकोरी सिया, सिया पे ऐसे दुपट्टा ऐसे दिखाते हुए हाथ में सोचिए दुपट्टा, उसको हम ऐसे आगे कर रहे हैं, उंगलियों पे ध्यान दीजिए, इमेजिनेशन करिए कि आपके हाथ में दुपट्टा होगा तो आपकी उंगलियों की पोजिशन कैसी रहेगी, उसी के हिसाब से एक्शन होता है, चकोरी सिया, फिर हराम चंद्र चकोरी सिया, यहां से हाथ नीचे से सिया, ठीक है, तो क्या होगा, हराम चंद्र चकोरी सिया, फिर वही जमाई राजा राम मिला, तो वही सामने एक्शन कर सकते हैं, जमाई राजा, या ऐसे ही कर दीजिए रिपीट, जमाई राजा राम मिला पे बस आप अपनी जगह पे राम मिला, ओके, फिर से लाइन रिपीट होगी, मिथिला का कंकण खिला, आप भाई मिथिला का कंकण खिला, या आप सिंपल एक्शन चेंज कर सकते हैं, मैंने गाने में डिफरेंट एक्शन किया वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसे ही गाने जो आप लड़की की माँ है या रिश्तेदार है और आप शादी में और संगीत में परफॉर्म करना चाहती है, तो मैं वैसे ही सॉन्ग्स लेके आ रही हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं और ऐसे ही गानों पे डांस स्टेप्स लेके आऊंगी, रोज चला के थोड़े थोड़े स्टेप्स करके करिए और आप प्रैक्टिस कर लें, शॉर्ट्स पे पूरा म्यूजिक के साथ है, आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, पहले सीखिए म्यूजिक लगा के उसके साथ करिए, या मेरे स्टेप के साथ साथ फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाए, तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपनी फैमिली में, आप जिनके भी साथ इस गाने पे डांस करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, और इसी तरह के और अच्छे अच्छे शादी से रिलेटेड डांस वीडियोस के इस ट्यूटोरियल में लेके आ रही हूँ, तो मिस मत करिएगा, बस इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।